Hello guys, welcome back to my channel. I am Gauri Manchanda and I am a CPL holder. I've done my training from Florida and USA and I am here to help you guys out. So, आज की इस वीडियो का टॉपिक जो सबसे ज़्यादा आज टॉपिक है, मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है सब में ही ऑलमोस्ट कमेंट आया है कि हमें बताइए कि हम इस कोर्स को अफोर्ड कैसे करें, हम पायलट बनना अफोर्ड कैसे करें, क्योंकि आप सबको पता है पायलट बनना एक्सपेंसिव है. इट्स एन एक्सपेंसिव कोर्स. प्लेन को फ्लाई करना, उसका फ्यूल, मेंटेनेंस, रेंट, इंस्ट्रक्टर, ये सब चीज़ें ऐड अप होकर बहुत महंगा कोर्स बनाती हैं पायलट ट्रेनिंग को. तो हम ये कोर्स कैसे अफोर्ड करें, सो आज मैं आपको उसके बहुत सारे तरीके बताऊंगी एंड आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगी. इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. वीडियो की एंड में मैं ऑल्सो आई एम गोइंग टू आंसर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय करीना चोपड़ा, सो स्टे ट्यून टिल दी एंड. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले चीज़ जानना जरूरी है कि हमें कितने पैसे चाहिए. सो दो तरीके होते हैं पायलट बनने के. एक होता है कैडेट पायलट के तरीके से बनना, जिसमें आप बेसिकली डायरेक्टली एयरलाइन के अंडर जाते हैं एंड एयरलाइन ही आपको पायलट बनाती है एंड वो आपको एक जॉब गारंटी देती है. दूसरा तरीका होता है कन्वेंशनल तरीका, जिसमें आप खुद पायलट बनते हैं एंड आगे जाकर आप वैकेंसीज का वेट करते हैं एंड आप एयरलाइंस के जाके इंटरव्यू देते हैं. अगर आप कैडेट पायलट की कॉस्ट होती है 1.1 करोड़, एटलीस्ट आपको इतना रखना चाहिए बफर अमाउंट भी. एंड कन्वेंशनल की कॉस्ट होती है 65 to 70 lakhs के बीच में. एंड सबसे पहले ये हमने जान लिया कि हमें कॉस्ट क्या चाहिए. अब अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप लोगों को मेरी वीडियो देखनी चाहिए जो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है. उसमें मैंने कॉस्ट और रीजंस, ताकि आप लोग एक डिसीजन ले पाए कि आप लोगों के लिए अपनी कंडीशन के हिसाब से क्या चीज़ सही है. सो अब हम बात करते हैं पहली चीज की, जो आपको बिल्कुल फ्री में, जिसको कहते हैं पायलट बनाती है ट्रेनिंग, बिल्कुल फ्री हो जाती है, वो होती है कि आप डिफेंस ज्वाइन करें अपनी कंट्री के लिए. सो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी कंट्री में कौन से पार्ट्स में पायलट की ज़रूरत होती है. सो देयर इज़ इंडियन एयरफोर्स, देयर इज़ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इसके अलावा होती है इंडियन कोस्ट गार्ड, जो हमारे सारे कोस्ट को गार्ड करते हैं. एंड बेसिकली इन सब में पायलट्स की रिक्वायरमेंट होती है. बहुत बारी आपको कुछ वेपन्स ट्रांसपोर्ट करना या जो भी पेट्रोलिंग करना, इन सब जगहों के लिए इन सभी के पास अपने एयरक्राफ्ट्स हैं, डिफेंस एयरक्राफ्ट्स, कार्गो एयरक्राफ्ट्स, एंड उनके पायलट्स भी ज़रूरत होती है. सो आपको कुछ एग्जाम देने होते हैं, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कौन से एग्जाम एंड आप कौन सी एज में दे सकते हैं ये एग्जाम्स. अगर आप एग्जाम्स क्लियर करते हैं तो आपको सिलेक्ट किया जाता है एंड आपकी ट्रेनिंग फ्री होती है. सबसे पहले जो एग्जाम आप दे सकते हैं वो है एनडीए, जो आप 16 से 19 इयर्स के बीच में दे सकते हैं. एंड ये नेशनल डिफेंस एकेडमी है इसका फुल फॉर्म. एंड अब लड़कियां भी दे सकती हैं, पहले लड़कियां नहीं दे सकती थी, अब दे सकती हैं. इसके अलावा सेकेंड एग्जाम होता है हमारा CDSE एग्जाम, विच इज कम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, जो 19 इयर्स से 23 इयर्स के बीच में आप दे सकते हैं. इसके अलावा आप दे सकते हैं AFCAT एग्जाम, विच इज एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट. इसमें आपकी एज होनी चाहिए 20 से 24 इयर्स के बीच में. सो मैंने अब आपको बताया कि आप कौन से एग्जाम कौन सी एज में दे सकते हैं. अगर आप एग्जाम्स क्लियर करेंगे तो आपकी पायलट ट्रेनिंग फ्री होगी. लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप एक शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसको कहते हैं आप बेसिकली अपनी आर्मी या जिस भी फील्ड में आप गए हैं एयरफोर्स के साथ आप साइन करते हैं, जिसमें आपको इतने पीरियड तक तो काम करना पड़ेगा उनके साथ. सो सबसे शॉर्ट पीरियड होता है 14 इयर्स, 14 साल. एंड कोस्ट गार्ड के साथ एक कम होता है 8 साल का. सो इतने साल आप उनके साथ काम करेंगे एंड उसके बाद ही आप छोड़कर एक एयरलाइन ज्वाइन कर सकते हैं. नाउ आई नो कि ये बहुत ज़्यादा साल हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको इश्यू होना चाहिए. आप अपने देश की हेल्प कर रहे हैं, आप डिफेंस में हैं एंड आपकी ट्रेनिंग फ्री भी हो रही है एंड उसके बाद आप बाद में अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, छोड़कर आप एयरलाइन ज्वाइन कर सकते हैं. सो इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट लोन्स. तो अगर अब आपको डायरेक्टली एयरलाइन में जाना है, अगर आपको ये एग्जाम्स नहीं देने हैं या सपोज आपने दिए एंड आप क्लियर नहीं कर पाए और अब आप पायलट ट्रेनिंग कैसे अफोर्ड करें, सो अब हम लोन्स को डिस्कस करते हैं. सो जो लोन्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, देयर इज अ पर्सनल लोन एंड देयर इज अ एजुकेशन लोन. नाउ डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन आपको एक टाइप का लोन लेना चाहिए. या तो आप पार्शियल लोन लेंगे, कुछ
ट्रेनिंग का अमाउंट आप अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, या पूरा ही नहीं कर सकते. सो उस हिसाब से मैं आपको बेसिक चीजें दोनों के बीच में बता देती हूँ. एजुकेशन लोन में आपको एक कोलैटरल देना पड़ता है. कोलैटरल इज बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी, आपका कोई लैंड जिसको आप गिरवी रखते हैं. एंड उसके बाद इसका इंटरेस्ट रेट कम होता है एजुकेशन लोन का. एंड आपको जो इंस्टॉलमेंट्स बाद में पे करनी होती हैं वापस बैंक को, वो आप अपनी एजुकेशन करने के बाद पे करते हैं. सो जो भी 2-3 साल जो भी आपको बैंक ने लिमिट दिया है, उसके बाद आपके पैसे जिसे कहते हैं कटना शुरू हो जाएंगे. वेयर एज पर्सनल लोन में आपको कोई लैंड या कुछ ऐसा कोलैटरल देने की जरूरत नहीं है. इसका डाउन साइड है कि इसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, और जैसे ही आप लोन लेंगे उसके बाद आपके पैसे कटना शुरू हो जाएंगे. जो बेसिकली अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपकी फैमिली पे करेगी वो अमाउंट. सो मैंने आपको ये बेसिक चीज़ बताई है दोनों के बीच में डिफरेंस. अब आपका डिसीजन है आप इन दोनों में से कौन से टाइप का लोन अपनी कंडीशन के हिसाब से लेना चाहेंगे. द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो अब हम डिस्कस करेंगे वो है स्कॉलरशिप्स. स्कॉलरशिप्स टू बिकम अ पायलट. सो सबसे पहले एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है कि ये थोड़ा जनरल कैटेगरी वालों को कम मिलती हैं स्कॉलरशिप्स हमारी कंट्री में. हमारी कंट्री में हम सपोर्ट करते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज को. सो ये ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स उनको मिलती हैं, पर कुछ कंडीशंस में नहीं भी मिलती है. तो अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्कॉलरशिप्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी थोड़ी देती हैं. फॉर एग्जांपल JRD, टाटा ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, एंड एक दो साल पहले होंडा कंपनी ने भी फीमेल्स के लिए CPL ट्रेनिंग को अफोर्ड करने के लिए एक स्कॉलरशिप लॉन्च करी थी. तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं उस डेट के आसपास आपको ज़रूर सर्च करना चाहिए कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी ऐसे स्कॉलरशिप्स दे रही हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं. इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है. नाउ इनको मैं बहुत डिटेल में नहीं समझा सकती हूँ. आप मैंने इसके लिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन करा है, आप उसमें जा सकते हैं. आप सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितने पैसे दे रहे हैं, क्या वो 100% दे रहे हैं या वो कुछ पार्शल परसेंटेज दे रहे हैं. सो ये सारे क्वेश्चन आपको नीचे आंसर हो जाएंगे. एंड लास्ट तरीका अपनी पायलट ट्रेनिंग को अफोर्ड करने का इज़ कि आप एक जॉब करें एंड आप अपने पैसे बचाएं एंड फिर आप अपनी ट्रेनिंग अफोर्ड करें. नाउ इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एविएशन इंडस्ट्री में ज्वाइन करें. फॉर एग्जाम्पल आप कैबिन क्रू बन सकते हैं या फिर आप फ्लाइट डिस्पैचर बन सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इन हाउस वैकेंसी. इन हाउस वैकेंसी होता है कि अपने एम्प्लॉयज जो लोग CPL की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब वो कर लेते हैं तो वही एयरलाइंस उनको हायर कर लेती हैं कॉकपिट में भेजने के लिए. सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. मुझे लगता है कि उस कोर्स में जब आप कोई और जॉब कर रहे हैं तो आप हार ना मान जाएं, आप बस जिसको कहते हैं सेटल डाउन ना हो जाए कि अब यही ठीक है, जॉब इतने कमा रहे हैं, आगे आप वो स्ट्रगल ना करें. तो मुझे लगता है अगर आप उसी फील्ड में रहेंगे और आप हर दिन देखेंगे कि पायलट है, तो आप मोटिवेट होंगे एंड जब आपके पैसे कलेक्ट होंगे तो आप एक बड़ा स्टेप लेंगे ये ट्रेनिंग करने का. सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी, आप लोगों को अच्छा लगा कि आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चली. एंड लास्ट में अब हम आंसर करेंगे एक क्वेश्चन जो करीना चोपड़ा ने पूछा था. हाय दीदी, प्लीज टेल गिविंग JEE कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड अचीविंग गुड रैंक इन JEE इज मैंडेटरी टू बिकम अ पायलट. ओनली प्लस टू विद गुड स्कोर्स इन नॉन मेडिकल स्ट्रीम वुडंट बी सफिशिएंट फॉर बिकमिंग अ पायलट. नाउ करीना कोई ज़रूरत नहीं है ऑनेस्टली. JEE एग्जाम जो होते हैं वो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है टू बिकम एन इंजीनियर. आप लोगों की जो भी एलिजिबिलिटी देखी जाती है वो देखी जाती है कि आपके प्लस ट्वेल्थ में फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश में कितने मार्क्स थे, कितनी परसेंटेज थी, और 60 है बहुत जगह. आप और अच्छे लाएंगे तो आप स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. बाकी मुझे पता है कुछ कैडेट पायलट प्रोग्राम्स में ये लिखा गया है कि JEE के रैंक के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, पर आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, जो मुझे भी थोड़ी वियर्ड लगती है ऑनेस्टली, कि अगर आपके JEE में उतनी अच्छी रैंक आ रही है, जैसे मैंने जो भी देखी थी बहुत ही अच्छी, जैसे 1000 में 1000, 1500, 3000 तक, तो अगर आपकी उतनी अच्छी रैंक्स आ रही है तो बहुत कम चांस है कि आप पायलट बनना चाह रहे हैं. बिकॉज आपने इतनी सारी, क्योंकि हम सबको पता है कि ट्वेल्थ की पढ़ाई और JEE की पढ़ाई अलग होती थी, तो थोड़ा आपको JEE के लिए अलग चीज़ें, अलग कोर्स, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस करने पड़ते थे. तो अगर आप वो एफर्ट डाल रहे हैं एंड अगर आपकी उतनी अच्छी रैंक भी आ रही है आगे जाके, तो आप क्यों नहीं एक अच्छा सा कॉलेज ज्वाइन करेंगे जो आपको काइंड ऑफ कोई IIT, NIT फ्री एजुकेशन देते हैं आपको, एंड आप वो चीज़ ज्वाइन करेंगे तो रैदर
बहुत बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ लोग होगी जो उनमें से पायलट बनना चाहेंगे। तो बेटर होगा कि आप अपने +12 में, मतलब +2 में, 12th क्लास में अपना फोकस करें, फिजिक्स एंड मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें, 90-95 तक लाएं, एंड आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। सो जेई की टेंशन मत लीजिए। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल थी, एंड फॉर मोर क्वेश्चंस डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप देम डाउन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज।